जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घर में स्थिर रूप से पैसे को कैसे बनाए रख सकते हैं, मतलब आपके घर में पैसा है और वो स्थिर रहे, उसका टिप बताने जा रही हूँ। और आपके घर में पैसा तो बना ही रहेगा और साथ साथ में आपके घर की जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो, और घर में पैसे का फ्लो बना रहे, घर में इज्जत का फ्लो बना रहे, घर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहे, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे खुश रहें, आपके घर में कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई बीमारी ना आए, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ कि पहले के टाइम में हमारे यहाँ पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है। पीतल के बर्तनों में लोग खाते भी थे, पानी पीते थे, उनकी प्लेटों में खाना खाते थे, तो पीतल के बर्तनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था पहले के टाइम में, और अक्सर लोगों के घर में पीतल के बर्तन रखे जाते थे। आज का टाइम वो है कि पीतल के घर में बर्तन नहीं मिलते हैं, बस यही गड़बड़ है। आपको क्या करना है वही आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शोहरत हो, नाम हो, इज्जत हो, पैसा हो, पैसा आए, बरसे और रुके, स्थिर लक्ष्मी आए, उसी का आज आपको एक टोटका देने आई हूँ। अगर आप उसको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इसको आप कीजिएगा। और महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपको कामाख्या लॉकेट चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा 8126476399, व्हाट्सअप पे फ्री है इसलिए आपको तरीका बताएंगे। इसके अलावा मेरे 3 चैनल है, लव सॉल्यूशन बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना, ये उन लोगों के लिए है जिनको प्यार की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यंगस्टर्स के लिए बनाया है मैंने। संध्या सक्सेना एस्ट्रो मेरा सेकंड चैनल है, और महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान मेरा फर्स्ट चैनल है। तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ वो उपाय जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तो एक विश भी पढ़नी है, और पहले मैं ये विश पढ़ देती हूँ, क्योंकि विश नहीं पढ़ूंगी तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। बनप्रीत कौर के पति वीरेंद्र सिंह और उनकी साथ हमेशा रहे, और उनको प्यार दे और उनके साथ हमेशा रहे। पूजा कुमारी की मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, वो हमेशा स्वस्थ बनी रहे। और एक ये है कि शुश्रूषा महेंद्र कुमार सबकी मर्जी से, ना 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 ना, ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ और इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था नाम में, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट आपकी अभिलाषा जो पढ़ने जा रही हूँ वो है गुंजन सिंह उर्फ रश्मि की शादी शैलेन कुमार से हो जाए। तो ये 3 मनोकामना मैंने पढ़ी है, इन तीनों ही मनोकामना में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि जिनकी मैंने मनोकामना पढ़ी है उन पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, और उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, पूर्ण करें, पूर्ण करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो अब आज का जो उपाय है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप जिन जिन लोगों की मैंने मनोकामना पढ़ी है, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगा दीजिएगा और गणेश चतुर्थी का पाठ करते रहिए। तो अब आपको मैं उपाय बता देती हूँ। तो उपाय ये है कि आपको पीतल का एक मटकी खरीद के लानी, छोटी सी, जो लीक ना करती हो, टूटी ना हो कहीं से, उसमें बढ़िया तरीके से पानी भर दीजिएगा, और पानी भरने के साथ उसमें कुछ चीज़ें और डालनी। तो जो पानी होगा वो मेन खास तौर पे किस चीज़ का होगा, वो गंगा जल भर के रखना है, यानी कि उसमें पूरा का पूरा गंगा जल होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में आपको गंगा जल ना मिले। आप मुझसे कहेंगे कि हमारे पास तो इतना सा गंगा जल भी नहीं है, आप पूरा भरने के लिए कह रही तो कैसे होगा। तब ऐसे में क्या करना, आप स्वच्छ पानी भर दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा, तो हो गया ना गंगा जल। अब उसमें कोई एक सोने की चीज और एक पीतल की चीज भर के उसके जो मुंह है उस पर फिर आप बर्तन रखकर, मतलब पीतल के ढकने से उसको ढक के, फिर उसमें लाल कपड़ा बांध देना है। फिर आपको क्या करना है, ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, उस नॉर्थ ईस्ट के जो कोने में आपको वो पीतल का बर्तन किसी स्लेब वगैरह पे लाल कपड़ा बिछा के ऊपर की साइड रखना है, मतलब थोड़ा आपके सर से थोड़ा ऊपर हो, ऐसा आपको रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास नाम इज्जत शोहरत भी होगा, आपके घर में पैसे का फ्लो बना रहेगा, लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न रहेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो एक छोटा सा मैंने आपको उपाय दिया है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।